पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हो गया। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग द्वारा विविधता में एकता विषय पर कार्यक्रम का अवलोकन किया और खूब तारीफ की। इस अनूठे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषाओं, परिधानों, संस्कृति तथा खान पान पर प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महामहिम ने कहा कि हमारी छात्र छात्राओं को पारंपरिक परिवेश में देखकर बहुत अच्छा लगा, यही हमारी विरासत है। पकवानों का डिस्प्ले इतना अच्छा था कि देखकर मुंह में पानी आ गया। हमारी संस्कृति, परंपरा, खान पान, बोली विस्मृत नहीं होनी चाहिए, यही हमारी विरासत है। दीनदयाल जी भी यही चाहते थे। गोल्ड मेडल हासिल करने में महिलाएं आगे हैं और आज प्रदर्शनी में भी महिलाओं ने बाजी मारी। महामहिम ने दीनदयाल उपाध्याय जी के व्यक्तित्व पर दीक्षा भवन में आयोजित छाया चित्र प्रदर्शनी एवं सेमिनार में प्रस्तुत किए पोस्टर प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया तथा इसे सराहा। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में गोल्ड मेडल जीतने में भी महिलाएं आगे हैं और आज प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने में भी महिलाएं ही अग्रणी हैं। माननीय राज्यपाल तथा मंचासीन अतिथियों ने पिछले वर्ष दीनदयाल उपाध्याय जी पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत पेपर्स पर आधारित संकलन पुस्तक का विमोचन किया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह तथा संयोजिका डॉक्टर नीता सिंह, डॉक्टर अनुपमा कौशिक, डॉक्टर कुसुम रावत एवं डॉक्टर अर्चना भदौरिया ने कार्यक्रम का संयोजन किया था। समारोह में कई कुलपति तथा पूर्व कुलपति एवं शिक्षाविदों ने प्रतिभाग किया। प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, प्रोफेसर आईएएस दुबे, प्रोफेसर एसएस सारंग देवोत, प्रोफेसर कैलाश सुदानी, प्रोफेसर आरसी श्रीवास्तव, प्रोफेसर एके सिंह, प्रोफेसर हरिशंकर सिंह, पूर्व कुलपति प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह, जेएनयू से प्रोफेसर सुधीर कुमार, प्रोफेसर हीरामन तिवारी तथा प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला, रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्जीनिया अमेरिका के प्रोफेसर ग्लेन टी मार्टिन, जर्मनी के प्रोफेसर भक्ति शाह, यूनिवर्सिटी ऑफ पुर्तो रिको अमेरिका के डॉक्टर मोहन भट्टाराई, कैम्ब्रिज से डॉक्टर हेक्टर हर्नांडेज, सऊदी अरब से डॉक्टर फहमिदा खातून, जाहिद ब्लूच, नाइजीरिया से डॉक्टर ओलिनियन ओलुगबेमी, पेंसिल्वेनिया से डॉक्टर राजमोहन रामनाथन पिल्लई, प्रोफेसर हृदय नारायण साउथ कोरिया से इस संगोष्ठी में दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चर्चा की। बुंदेलखंड में राम लगे ना ठंडी, जय बुंदेलखंड। आगे जाकर आपके बच्चों को भी आलू ही खिलाओगे आप।
के साथ सभा मंच पर बढ़ा रही हैं। है माननीय कुलाधिपति महोदय शिष्य अतिथिगण से अनुरोध है कि कृपया वाग देवी के चित्र पर Thank you.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन और आदर्शों पर चलने वाले अनेक संस्कृत कर्मी इस विशिष्ट समारोह के साक्षी बने। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों पर केंद्रित था विजन 2047 राष्ट्रीय चेतना उत्सव। सेक्टर में कुल 110 प्रश्न पत्र पढ़े गए और इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हमारे समाज। मैं माननीय कुलपति जी से यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपना स्वागत वक्तव्य देने की कृपा करें। तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समापन सत्र में माननीय कुलाधिपति सांस्कृतिक दृष्टि से भारत और मनुष्यता के निर्माण के लिए आपकी भूमिका से सभी परिचित हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कैंपसेस में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विकास के लिए जो वैल्यू एडेड एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, आप हमेशा चिंतित रहें। माननीय हमेशा अभी आप देखें तो एकेडमिक एक्सीलेंस, क्वालिटी एजुकेशन के लिए हर विश्वविद्यालय में ऐसा माहौल बना हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं आखिरी लगभग 6 महीनों में माननीय की नेतृत्व में हम लोग नैक के हेडक्वार्टर बेंगलोर गए, चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ में जो देश की तीन सबसे अच्छी संस्थाएं हैं, पंजाब में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली, ISB मोहाली, वहाँ पे हम लोग ने देखा यूनिवर्सिटी को। उसके बाद हम लोग इनके नेतृत्व में नैक मंथन किया। प्रदर्शनी लगी है, हम लोगों ने बहुत ही ध्यान से ये प्रदर्शनी देखा। 5 विभाग में प्रदर्शनी का आयोजन किया और आप लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। जब आपने हिस्सा लिया होगा तब आपने दीनदयाल जी के बारे में कुछ पढ़ा होगा, कुछ सुना होगा, कुछ किया होगा, तब जाकर ऐसी प्रदर्शनी तैयार होती है। और इसमें जिसने भी अच्छा काम किया है उसको आज नवाजा गया है। ऐसे सभी छात्र को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल में महिलाएं तो आगे रहती है, ये प्रदर्शनी में महिलाएं आगे हैं। और मुझे अच्छा लगा कि दीनदयाल जी ने जो विचार रखे हैं इसमें काफी केंद्र बिंदु महिलाएं हैं, छात्र हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वरोजगार है, आत्मनिर्भरता है, स्वच्छता है, भ्रष्टाचार नाबूदी का विषय है। ऐसे सारे विषयों को उन्होंने छुआ। अभी छोटी उम्र से ही हमारे छात्र उसके विचार को सुनेंगे, पढ़ेंगे और आत्मसात करेंगे तो इसका बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरा, मैं थोड़ी अंदर गई तो हमारी महिलाएं दिखाई पड़ी। पहले तो मैंने ये सोचा कि ये गांव से महिलाएं आ रही और ये गीत वगैरह वगैरह गा रही है। जब हमारे कुलपति जी ने मुझे परिचय कराया कि नहीं, ये गांव की लड़कियां नहीं है, वैसे तो गांव की लड़कियां हैं लेकिन पारंपरिक परिवेश में हमारी छात्र छात्राएं वहां खड़ी थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा पहरवेश
हमारा परिधान धीरे धीरे करके वेस्टर्न तरफ जा रहा है। कभी कभी मैं बोलती हूँ फुल ड्रेस, इसके बाद 50% आ गया, इसके बाद इससे भी कम हो गया। इतनी अच्छी हमारी बेटियां लगती थी और इतना सुंदर वो गीत बुंदेली, अलग अलग प्रकार के जो हमारे जनपद हैं वहाँ जो गीत गाया जाता है, वहाँ की जो बोली है वो हमारे सामने रखी। मतलब ये कहता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो खान पान है, हमारी जो बोली है वो विस्तृत नहीं होनी चाहिए। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी तक जाना चाहिए और यही हमारी विरासत है। ये हम दीनदयाल जी सिखाते थे। आप जा रहे अभी आ गया।